मेरे प्यारे लाडलो, अगर आप भी शिक्षक बनने का सपना देखते हैं ना, तो मैं आपको बता दूं कि भविष्य में आप एक शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आप भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो ये चीज़ें आपके मन में भी आज ही आ रही होगी। लेकिन एक चीज़ आपको समझ में आ गई होगी कि आप इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं। मैं साल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वैकेंसी कब से घसीटी जा रही है आपको भी पता है। हर चीज़ सिर्फ मेहनत करने से नहीं होती, ठीक है। आप सोचते हैं कि मैं मेहनत करके इतने घंटे पढ़ रहा हूँ या पढ़ रही हूँ तो ये जॉब मेरी है, कई जगह पर लास्ट टाइम पर आपको मेहनत के साथ साथ दिमाग लगाने की भी ज़रूरत होती है। अकेली मेहनत कुछ नहीं कर सकती है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अगर आपने अब तक बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है तो लास्ट में ये गलतियां करके आप है ना अपनी जॉब को है अपने हाथों से गवा दोगे। दूसरी बात, अगर आपने अब तक अच्छे लेवल से पढ़ाई नहीं कर पाए, मेरा विश्वास कीजिए, ये वीडियो मैं आपका 24 जनवरी को बना रहा हूं, 25 से आपकी एग्जाम स्टार्ट होगी, यानी कि 25 फरवरी से। अभी भी आपके पास 30 दिन बचे हैं। अगर 30 दिन में सिर्फ मैं पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा, अगर आप ये गलतियां नहीं करते और मेरे बताए अनुसार भी अगर आप पढ़ लेते ना, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आप 150 क्वेश्चन के पीछे भाग रहे, लेकिन आपको कोई ये बताता ही नहीं है कि 150 क्वेश्चन सबके लिए नहीं होते। वो एक टारगेट दिया हुआ होता है, एक बच्चे को कहां तक कितने रेशो में पहुंचना होता है। उन चीजों को अगर आप समझ गए ना, तो आपको कहीं पे भी कोई पीछे धकेलने वाला ही नहीं है। तो इन शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूं, उस चीज को समझिएगा कि आप कहां गलती करें और आपको गलती कहां नहीं करनी है। मेनली अगर मैं बात करूं ना लाडलो, तो आपके पास 30 डेज बचे। इन 30 डेज में आपको क्या नहीं करना है, आप जो कर रहे हैं अगर वो करते जाइए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मत कीजिएगा। और जो बच्चा अभी भी सोच रहा है कि सर मैं मेहनत नहीं कर पाया, नहीं कर पाई, कोई भी रीजन हो सकता है, देखिए फैमिली रीजंस भी होते हैं, अभी भी कह रहा हूं, बस आप इन चीजों को मान लीजिए, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अब ध्यान से समझ लीजिए, पहले मैं आपको बता दूं कि 150 क्वेश्चंस होंगे। ये 150 क्वेश्चंस को आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि एक क्वेश्चन 2 नंबर का है। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस कहां से कैसे कवर करके चलें, उसके लिए आप कमेंट करके बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेन पॉइंट है कि आपको स्टार्टिंग से अगर अभी से तैयारी करनी है, फिर आपने बहुत अच्छा पढ़ रखा है, तो भी आप एक बार आज सिलेबस को उठाइए, उसे पढ़िए और उसे समझिए। क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं ना, या तो यूट्यूब के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, फिर हमारे दोस्तों के बताए अनुसार पढ़ रहे हैं। सिलेबस को जैसे उठाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट टॉपिक वाइज हम देखेंगे ना, तो पहले उसको टिक लगाइए कि मैंने कितना कर लिया है। उसको मुझे उसमें जितना आपने कर लिया, जैसे पूरे टॉपिक क्लियर कर लिए, तो उसमें से आप जाकर के कहीं पे भी जाकर के खुद को टेस्ट करके देखिए, चेक करके देखिए मुझे कितना आता है। उस चीज़ के ऊपर जहाँ कमी रह रही है, पहले उस पर काम कीजिए। और जो बच्चा अगर उसकी मेहनत नहीं हो पाई, वो अभी से करना चाहता, पहले सिलेबस पढ़िए, उसमें ये समझिए कि मुझे क्या अच्छे से आता है, बस आपको उसमें से करना है। यानी क्यों कह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि टोटल 150 क्वेश्चन तो करने नहीं, आप उसके पीछे भाग रहे हो। 150 में से आप ओवरऑल ज़्यादा भी नहीं, तो आप ये तो कर सकते हो कि मैं क्या करूँ कि मैं 100 क्वेश्चन तो कर सकूं। बस आपको इतना सा डिसाइड करना है। आगे चीजें आगे बता रहा हूं मैं, ठीक है, बाकी चीजें आगे बता रहा हूं मैं। नेक्स्ट है कि आपका टारगेट कैसे है, 100 क्वेश्चन। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, 150 में से बस आप इतना सा समझ लीजिए। देखिए हमें मेरिट में नहीं आना है, ठीक है, हमें सिर्फ इतना करना है कि हमें सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन कैसे, जो भी आपके जितने भी गुणा पास करें ना, उसमें से डीवी होने के बाद में भी आपको सिलेक्शन होना है। इसके लिए मैं अभी से आपको कह रहा हूं, मैक्सिमम अगर आप 100 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ करके आ जाते ना, मैक्सिमम बता रहा हूं, SSB के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अगर आप जनरल कैंडिडेट है, चाहे लेवल 1 है चाहे लेवल 2 है, अगर आप जनरल OBC और EWS कैंडिडेट अगर 90 से 100 के बीच में अगर आप एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ये नहीं कि 90 करे आए फिर 20 तुक्के मार के आ गए तो फिर आप खुद डाउन आ जाएंगे। ऐसे नहीं है कि आप 80 आपको आते हैं और 15 में तुक्के मार दे, फिर बोले सर आपने बोला था कि 90 करके आने। लेकिन आप एक्यूरेसी का मतलब होता है एक आप श्योरिटी है कि 90 क्वेश्चन तो चाहे यमराज भी उतर के आ जाए, वो भी गलत नहीं कर सकता। तो मैं कि मिनिमम 90 तो करना ही है, बाकी से कम भी जाए एक अलग बात है, लेकिन मैक्सिमम 100 रहेगा, इतना टारगेट बना लीजिए। अगर आप STSC के कैंडिडेट हैं, तो अगर आप ज्यादा नहीं, तो आप 85 प्लस भी है ना, वैसे 80 प्लस भी मैं बोल सकता हूं, लेकिन 85 तो मान करके चलिए। अगर 80-85 क्वेश्चन भी आप अच्छे से श्योरिटी के साथ करते, तो आप टेंशन मत लीजिएगा, ठीक है। एक और चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप विडो और डाइवर्स कैटेगरी से हैं और आपको ये लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, अगर आप 60 प्लस का टारगेट लेकर के चलिए, टेंशन मत लीजिए। मैं ये नहीं करूं कि आप इतने कीजिए, अगर आपको पूरे आ रहे तो पूरे कीजिए, लेकिन इस टाइम पे आपको डिमोटिवेट करने वाले, डराने वाले ज्यादा मिलेंगे, एक आपके साथ खड़े हो करके आपको सही चीज बताने वाले बहुत कम मिलेंगे। इसलिए इतना सा रखिए, TSP एरिया के कैंडिडेट इनमें से 8-10 क्वेश्चन है वो आप कम मान लीजिएगा, ये मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस चीज के ऊपर जरूर गौर कर लीजिएगा। और अगर जैसे है PH कैंडिडेट अगर पूछते हैं, तो आप भी यही 55
से 60 का टारगेट लेकर के चलिएगा कि इतने क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। तो एक टारगेट सेट कीजिए कि मुझे 150 तो पूरी किसी को नहीं करने, ठीक है। अगर कोई तुक्का मारता ना एग्जाम दे के आते कि मैं 130 करके 140 करके, वो घर पहुंचते ना उसकी हालत ही हो जाती कि वो 60-70 तक भी नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे लोगों से बचकर के रहना, उनकी हकीकत मैं आपको बताऊंगा एग्जाम के 2 दिन पहले लाइव होकर के। इसलिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आप जितना प्यार जताएंगे ना इसको लेकर के मैं 1-2 दिन में एक लाइव करने वाला हूँ, तो आप बताइएगा कि आप जुड़ना चाहते हो, कि आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा, आपको कॉल का ऑप्शन दूंगा, लाइव के अंदर आप कॉल कर सकेंगे और अपने सवाल पूछ सकेंगे, ठीक है। तीसरा है कि यूट्यूब बाबा से दूरी बना लो। आप जैसे पढ़ने लगते हो यूट्यूब पे जाते हो, कोई नया नोटिफिकेशन आ जाता है, हर अलग अलग इंसान अलग अलग ज्ञान देता है जिसके चक्रों में सारा मिक्सअप हो जाता है। अगर कुछ करना चाहते हो ना तो यहाँ से दूरी बना लो, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई भी हो, लेकिन यहाँ से दूरी बना लो, सिर्फ किताबों से पढ़ना स्टार्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करूँ कि टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं ना, तो टेस्ट सीरीज अभी लास्ट 1 महीना बचा, अगर आप देंगे ना नई चीज़ पर जाएंगे, अगर आपके नंबर कम आएंगे तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पास ये सवाल आते सर मैं उस कोचिंग की टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ, मेरे नंबर इतने आ रहे हैं, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या, ये सवाल आपका भी है ना। तो मैं ये कह रहा हूं ध्यान से सुन लीजिएगा, एग्जाम के लास्ट टाइम में कभी भी टेस्ट सीरीज मत दिया करो। क्या कभी भी ऐसा हुआ कि आपने जो टेस्ट सीरीज दी उनमें से आपको ऐसा हुआ कि 20 से 25 30 क्वेश्चन भी मिले हैं क्या 150 में से? तो आप दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए इस चीज से दूर हो जाइए, ठीक है। देखिए मैं चाहूं तो मैं भी, मेरे पास भी ये चीज अवेलेबल है, मैं भी आपको अवेलेबल करा सकता हूं, मैं भी कमा सकता हूं, लेकिन कमाई हर जगह काम नहीं आती। पहले बच्चों का भविष्य और उनका विश्वास है वो प्रायोरिटी पर रखता हूं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि नई चीजों में हाथ डालना बंद करो। आज आप जो बुक पढ़ रहे हो ना सिर्फ आप उसी को पढ़ो, क्योंकि 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि 1 बुक को आप 10 बार पढ़ लो। ऐसे नहीं कि आप बार बार चेंज कर रहे हो, ठीक है। तो नई चीजों में हाथ मत डालिए, जो चीज आपके पास है वही पढ़िए। दोस्तों से मत पूछिए मैं इसको ऐसे कवर करूं, ये बुक तो कौन सी पढ़ रहा है कौन सी पढ़ रही है, मैं भी वो पढ़ लूंगा, मैं गलती कर दूं, क्योंकि नई बुक में जैसे ही आपको या नए कोर्स में आपको जैसे नई चीजें मिलेगी आप कंफ्यूज हो जाओगे, आपको लगेगा मुझे तो कुछ भी नहीं आता, ये चीज आपने फेस भी की होगी, इस चीज को छोड़ दो। उसके बाद में कमजोर नब्ज पकड़ो, आपकी कमजोर नब्ज क्या है और बाकी स्टूडेंट्स कहाँ कमजोरी पे रख सकते हैं। अब आपको पता है कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, जो रीट में पहली बार क्या शामिल हुआ है, करंट अफेयर और योजनाएं, ध्यान से समझिएगा इस बात की, इस कमजोर नब्ज को समझिए। ये कमजोर नब्ज आपकी नहीं हर कैंडिडेट की है, तो अब आपको प्लस कहाँ पे जाना है, आपको प्लस जाना है कि ये कमजोर नब्ज आपको, अगर मान लीजिए मिनिमम मैं बता रहा हूँ आपको करंट अफेयर और योजनाओं से 15 से 18 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो 1 क्वेश्चन भी मायने रखता है कॉम्पिटिशन के लिए। आपको अगर मैं दोनों के बीच की बात करूं, अगर मान लीजिए 17 क्वेश्चन यहां से देखने को मिलते हैं, उनमें से अगर एक जगह से आपके पास इतना टाइम नहीं है, अगर 15 से 16 क्वेश्चन एजिटीज अगर आप वहां से कवर हो जाते हैं, तो इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए? तो आपके पास टाइम नहीं बचा है, आपको भी पता है, आप बाकी सब्जेक्ट पे लगे हुए हो, आप बाकी सब्जेक्ट पे लगे हुए हो, ये चीज आपके लिए बिल्कुल नहीं, ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल नहीं है। तो आपको एक ऐसे ट्रस्टेबल इंसान की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं, ये चीज़ करंट अफेयर्स के लिए ही उमेश शर्मा एकेडमी को जाना जाता है, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ के ऊपर। करंट अफेयर और जो योजनाएं है ना लाडलो, मैंने पूरी की पूरी चीज़ें रीट एग्जाम को प्रॉपर ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए तैयार की है। इसके लिए मैंने एक अलग से कॉम्बो पैक बना रखा है, जिसके अंदर आपका करंट अफेयर, योजनाएं और इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जो RSMSSB का पैटर्न है उससे रिलेटेड 1000 क्वेश्चन है, जिससे आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा। इसी के साथ में इससे रिलेटेड जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है ना, वन लाइनर, वो चीज़ें भी मैंने इसके अंदर कवरअप की है। यानी कि GK का पार्ट जो आपका 40 क्वेश्चंस का जो पार्ट है ना, वो चीज़ मैं यहाँ से कवर कर रहा हूँ, जिसमें से आपको ज़्यादा नहीं 40 में से हैं वो आपको 18 से 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। बाकी इतना तो आप भी पढ़ सकते हो, जो कि मायने रखता है। 40 में अगर 18-20 क्वेश्चन यहाँ से पढ़ जाते, बाकी 10-12 क्वेश्चन आप भी कर सकते हो। ये चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं ऐसे नहीं बोलता कि 40 में से 40 या फिर कोई भी आपको ये बोलता ना इतने क्वेश्चन यहीं से कवर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता, लेकिन आप सोचिए कि इतना मायने रखता है, ये चीज़ आपकी कवर हो जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप ट्रस्ट कर सकते हैं। अब नई चीज़, आप डिटेल बुक और वीडियो देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि लास्ट टाइम है आपका मान लीजिए किसी पार्ट का सिलेबस नहीं हुआ, जैसे आपका करंट अफेयर ही है, आप कितने वीडियो देखेंगे? आपको कोई बता रहा है कि सिर्फ 6 मंथ का करंट अफेयर पढ़ लीजिए, मत भूलिए कि वैकेंसी कितनी पुरानी है, ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम आपको July 21 से लेकर के अब तक का तो करंट आपको पढ़ना ही है, इस चीज़ को जरूर समझ लीजिएगा। इसमें July 21 से लेकर के आपकी जब तक एग्जाम होगी ना, तब तक का करंट अपडेट होता रहेगा इस पेक में। तो नई नई किताबों में मत जाइए, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, जो आता उसे भी बर्बाद कर लेंगे। नई बुक और वीडियोस देखना बंद कर दीजिए। नेक्स्ट है कि रिलेटिव फ्रेंड से दूरी बना लीजिए। सबसे ज्यादा आपको जो डिमोटिवेट करते हैं आपके रिलेटिव्स करते हैं, ठीक है, और फ्रेंड्स भी करते हैं। फ्रेंड्स पॉजिटिव वाइब्स देने वाले बहुत कम मिलते हैं, आपको नेगेटिव देते हैं। मेरा तो ये हो गया, चाहे वो पढ़ता ही नहीं हो, तूने ये चीज की क्या, ऐसा हुआ कि उन सर से पढ़ ले, ये बुक ले ले, इन चीजों से बिल्कुल दूरी बना लीजिए। अपना फोन ही बंद कर लीजिए, किसी से मतलब मत रखिए, बाद में रख लीजिए। अगर आप कुछ बन गए ना तो फ्रेंड आपके पास झक मरा
जाके आएगा और आपके आगे पीछे घूमेगा। अगर आप कुछ नहीं बन पाए ना तो वही आपके मजे लेने लग जाएगा। इसलिए डिसाइड कर लीजिए कि आपको करना क्या है। फिर स्वयं और गुरु के नोट्स, मतलब आपके जो भी गुरुजन जिन पे भी आप आंख बंद करके विश्वास करते हो ना, क्योंकि देखिए हम एक चीज के पीछे रहते हैं ना तो वही हमारे लिए सब कुछ होता है। तो आपके जो भी गुरुजन है, अगर या तो उनके नोट्स बनाए हुए आपको दिए हुए, सिर्फ उनको बार बार रिवाइज कीजिए, या फिर आपके खुद के बनाए हुए नई नई चीजों में मत घुसिएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव वाइब्स रखिए और पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए। आप कोई चीज़ अगर नहीं भी आती ना तो वहाँ पे आप ये बोल के निकले, अरे ये तो आता है यार, कर लूँगा। लेकिन अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, बाहर वाले को ये दिखा दो, अंदर आएगा कि यार मैं ये चीज़ सोच के चल रहा हूँ, यानी कि आप पॉजिटिव हैं। कोई क्वेश्चन आपको नहीं भी आता ना तो आप पहले इस चीज़ को समझते चलिए कि इतना तो मेरा पड़ाव है, इसमें ये चीज़ ऐसे नहीं हो सकती तो ऐसे ही हो सकते हैं। वो पॉजिटिव एटीट्यूड यहाँ पे आपका काम आता है। इसलिए नेगेटिव मत, तो किसी से नेगेटिव बातें करेंगे सुनेंगे तो आप खुद को भी अंदर से नेगेटिव ही पाएंगे। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बने रहिए। 150 में से इतना सोच लीजिए, क्या 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पाऊंगा क्या, क्या दिक्कत है क्या मेरी जिंदगी, इतना भी नहीं किया क्या, इतना सोच करके चलिए। एक टारगेट कीजिए, जैसे मान लीजिए आपका हिंदी सब्जेक्ट है, घबराते क्यों, इसको लेकर के मैं डिटेल बात करूंगा, और भी सब्जेक्ट होंगे बता रहा हूं आपको। हिंदी सब्जेक्ट है, आपको पता है कि 60 तो ऐसे हो गया आपके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जो ग्रामर वगैरह से 10 सेक्शन विधि हो गए, 70 तो यहां हो गए यार आपका सब्जेक्ट है मान लो, तो आप इतना सा टारगेट नहीं कर सकते कि यार 50 प्लस यानी कि 55 क्वेश्चन तो मैं यहां से कवर कर लूंगा। उसके बाद में करंट अफेयर का मैं आपको श्योरिटी के साथ कर रहा हूं कि 15 क्वेश्चन मैं यहां से कवर करवा दूंगा, तो 70 पे तो आप ऐसे पहुंच गए। मैं आपको टारगेट कहां लेके जा रहा हूं, जनरल के तो 90-80 और एसटीएससी के हो तो आपको 80-90 पे, ठीक है। उसके बाद में बाकी और भी तो सब्जेक्ट हैं आपके, ठीक है, साइकोलॉजी आप इतने टाइम से पढ़ रहे हो, और चीजें हैं, बाकी सब्जेक्ट्स हैं, उनको लेकर के आप कवर कर लो। क्या इतना सा नहीं कवर कर सके यार, खुद पे विश्वास रखो, इतना तो दम है आप खुद पे। मैं अगर आप इतना विश्वास करते हो खुद पे नहीं कर सकते क्या, सोचिए अंदर से पॉजिटिव वाइब्स लाइए, बहुत कुछ अच्छा होगा, ट्रस्ट कीजिए सारी चीजें मिलेंगी। इसलिए कह रहा हूं करंट अफेयर योजनाएं और जो इससे रिलेटेड जो लास्ट टाइम में जो आपको एक पढ़ना है ना, एक बूस्टर डोज, वो चीज मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा। करूँ एक चीज, सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप अपडेट होती जा रही, करंट अफेयर और योजनाएं भी आपको अवेलेबल हो जाएगी, 1000 क्वेश्चन अवेलेबल हो जाए, बाकी इसमें और भी चीजें अपडेट होती रहेगी। तो जाकर के अभी जाकर के इसको परचेज कर लिए। आपने अब तक 3,000-5,000-10,000 रुपए फीस के दिए हैं ना, मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ 300-400 रुपए आप खर्च कर दीजिए, ज्यादा नहीं, 300-400 रुपए आप सिर्फ खर्च कर दीजिए, आपका वो काम हो जाएगा जो अब तक आप है ना 10-20,000 रुपए में नहीं कर पाए। विश्वास कीजिए और इन चीजों के ऊपर गौर कीजिएगा, लास्ट टाइम पे भी आपको जो चीज चाहिए ना वो आपको डेफिनेटली मिलेगी। अगर डिमोटिवेट हो गए ना, जो सब कुछ आता है वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो उम्मीद है इस वीडियो से आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बता दीजिए कि मुझे भी अच्छा लगेगा जिससे ऐसी चीज मैं आपके लिए कर सकूं। और आप जितना प्यार दिखाएंगे जल्दी आप लोगों से लाइव का ऑप्शन देकर के आप सभी लोगों से रूबरू होंगे और आपको फोन करके आपके सवाल पूछने का मौका भी दूंगा। तो यहाँ पे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। अभी के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए उमेश शर्मा एकेडमी को और करें अपने RPS, CSSC एंड रेलवे का सपना साकार। डाउनलोड दिया नाउ।